बरेली में उत्तरायणी जन कल्याण समिति के संगठन मंत्री ने तत्कालीन महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष पर गबन का आरोप लगाते हुए सहायक रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी एवं चिट्स के बरेली मंडल कार्यालय पर शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। समिति के संगठन मंत्री विनोद जोशी का कहना है कि तत्कालीन महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने समिति में कई घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में विनोद जोशी ने समिति के रुपयों से 24,42,450 रुपये का भवन खरीदा था। खरीदे गए इस भवन का नाम उत्तरायणी भवन रखा गया। विनोद जोशी का कहना है कि यह रुपया समिति का था, मगर विनोद जोशी ने समिति के बजाय अपने नाम पर उस भवन को खरीदा और अब उस भवन को बेच देने की फिराक में है। विनोद का कहना है कि बगैर प्रस्ताव पास के पदाधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर 25 लाख की FD तोड़कर इस भवन की खरीदारी की गई थी। जब देवेंद्र जोशी के नाम खरीदारी की बात निकलकर सामने आई तो समिति के लोगों ने एक राय होकर निर्णय लिया कि देवेंद्र जोशी को इस भवन को समिति के नाम कराना चाहिए। इस पर देवेंद्र जोशी को समिति के नाम भवन कराने के लिए कहा गया था, मगर एक साल बीत जाने के बाद भी देवेंद्र जोशी ने समिति के नाम भवन का बैनामा नहीं कराया। इसके अलावा भी कई घोटाले के बारे में विनोद जोशी ने शिकायत की है। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें अब देवेंद्र जोशी से जान का खतरा है। हो सकता है इन बातों के उजागर होने के बाद देवेंद्र जोशी उनके खिलाफ कोई घातक कदम उठाएं। विनोद जोशी ने देवेंद्र जोशी और उनकी पत्नी, उनके बेटे व उनके अन्य सहयोगियों और रिश्तेदारों से अपनी जान के खतरे की बात कही है। वहीं इस मामले में देवेंद्र जोशी का कहना है कि उन्होंने कोई भी गबन नहीं किया है। उनके खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है। जिन विनोद जोशी ने इन शिकायतों को किया है वह उनके रिश्तेदार हैं और इनका पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसको लेकर उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। भैया विनोद जोशी, भैया हमारा मामला हमारी समाज सेवी संस्था उत्तरायणी जन कल्याण समिति से जुड़ा हुआ है, जिसकी हम लगातार शिकायत करते आ रहे हैं। लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है वो बरेली का एक सफ़ेदपोश है, जिस जो कि मजबूत आदमी है, और हमारे समाज में कई FDAं टूटी, भवन उन्होंने अपने नाम करा लिया। देवेंद्र जोशी उनका नाम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा वक्त में उपाध्यक्ष हैं। मुझे कई बार धमकियां दी गई हैं, 4 थानों की पुलिस और 2 LIU इंस्पेक्टर मेरे पीछे लगाए गए, लेकिन हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसकी शिकायत मैंने रजिस्ट्रार जी से करी थी कि साहब हमारे में FD टूटी गई, हमारे से पैसा हमारे गमन हुआ, तो रजिस्ट्रार ने हमारे मौजूदा जो महामंत्री हैं दिनेश पंजी से जवाब मांगा गया, तो दिनेश पंजी ने, आप देख सकते हैं, मेरे हर जो मैंने आरोप लगाया था उस आरोप को माना है कि किस तरीके से हमारे समाज में लूट करी गई। ये पैसा गरीबों का है, कमजोरों का है, जिस पैसे पे हमारे समाज के कुछ लोगों ने डाका डाल रखा है। एक तो PC पाठक हैं, PC पाठक खुद अध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं, और जिस टाइम वो अध्यक्ष और महासचिव रहे थे उस टाइम उन्होंने अपनी ही पत्नी को की फर्म को लाखों रुपए का फ्लेक्सो का ठेका दे दिया। आप सोचिए, अध्यक्ष और महामंत्री जो अपने मौजूदा वक्त पर है वो अपनी पत्नी के फर्म को लाखों रुपए का ठेका दे देते हैं, देवेंद्र जोशी FD तोड़ देते हैं, FD तोड़ने के बाद वो माफीनामा मांगते हैं, 4-5 आदमी उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन ये पैसा गरीबों और कमजोरों का है। भैया कम से कम ये मान के चलना 26-27 लाख की FD टूटी है, और हजारों रुपए ऐसे हैं जो कि अभी तक खाते में जमा नहीं हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महामंत्री उत्तरायणी जन कल्याण समिति के दिनेश पंजी ने हलफनामा में हमारे रजिस्ट्रार को दिया है। जी मैंने आज रजिस्ट्रार को अपना जवाब दे दिया है, और मुझे पूरी यकीन है कि रजिस्ट्रार साहब इसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं और ऊपर जाने को तैयार बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जब भी वो मुझे देखता है वो अपने पिस्टल पर हाथ फेरने लगते हैं, और कई बार मुझे धमकियां मिल चुकी हैं, और मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि मैं लाखों रुपए का जो हमारे समाज में मेले के नाम पर लूट करी गई है मैं उसका खुलासा कर रहा हूं और कागजों के साथ कर रहा हूं। जो कागज आप कहोगे वो कागज मैं आपको दे सकता हूं। देखिए, जो ये आरोप लगाया गया है पिछले 1.5-2 साल पहले लगाया गया था, समिति में इसके लिए लिखित शिकायत की गई थी, जिसकी जांच समिति ने अपनी इंटरनल 5 लोगों की कमेटी से कराई थी, जिसमें सब निराधार पाई गई और किसी भी टाइप से किस टाइप का कोई भी घोटाला नहीं है। मेरे द्वारा भी रजिस्ट्रार से इस चीज़ की शिकायत की गई है कि इस कमेटी में जो इस टाइप का एक आचरण आया है, एक आरोप आया है, इसकी कमेटी की जांच पूर्ण रूप से की जाए जब से समिति रजिस्टर्ड है। लेकिन जो मैं इसके पीछे का तथ्य आपको जरूर बताना चाहूँगा, जो इसका आरोप है, आरोपी जो है वो रिश्तेदारी में लगता है, मेरी साली का पति है,
उस मेरी साली का इसका विवाद चल रहा है, पारिवारिक विवाद होने के कारण मैं उसमें गवाह हूँ और इस टाइम ये पूरी तरीके से कोर्ट में फंसा पड़ा है, इसकी पूरी फैमिली फंसी पड़ी है। इस वजह से दबाव बनाने के लिए ये सब कार्य कर रहा है, ये कृत्य कर रहा है, ये समिति को भी बदनाम कर रहा है, मुझे भी बदनाम कर रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिछले लगभग एक डेढ़ साल से दो साल से ये मेरे खिलाफ फेसबुक से लाइव जाके कुछ ना कुछ करते कर रहा है। चाहता है कि मैं इसे लड़ूं भिड़ूं, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि समाज की, मेरी और मेरे मिलने वालों की छवि पर कोई फर्क पड़े। ये व्यक्ति क्या नाम बोलते हैं, किसी टाइप का कोई कृत्य नहीं करता है, कोई कार्य नहीं करता है, सिर्फ इसका काम इतना है फेसबुकबाजी करके और एक छोटी सी लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये मुझे बदनाम कर रहा है। किसी भी टाइप का कोई गवन नहीं है। मैं पूरे शहर को आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने आज तक मुझ पर विश्वास किया है, उन्हें विश्वास करना पड़ेगा कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मेरी वजह से कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रही बात विनोद जोशी की, तो विनोद जोशी इस वक्त पूरी तरीके से कानून के शिकंजे में फंसा हुआ है, वो और उसका पूरा परिवार। वो केवल उसकी छटपटाहट है मुझे विचलित करने के लिए, मुझ पर दबाव बनाने के लिए वो ये सब कृत्य कर रहा है। वो मेरे साथ ही नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी और मेरी पत्नी के साथ भी डिपार्टमेंटल सूचना के अधिकार पर रिपोर्टें मांग के उन्हें भी विचलित कर रहा है, उन पर भी दबाव बना रहा है, किसी तरीके से भी उसका केस निपटे। लेकिन चूंकि हम नहीं निपटाएंगे क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया, अपनी पत्नी के साथ इतनी बदतमीजियाँ करी हैं उसने और हमारे साथ इतनी बदतमीजियाँ की हैं, जो कोर्ट का डिसीजन होगा हमें मान्य होगा, उसे सब्र करना चाहिए। यदि इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर आके वो इस बातें करेगा तो गलत है। हम लोग डरने और विचलित होने वाले नहीं हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।